Hello student, today we learn about transcription in eukaryotes. The transcription is the process by which formation of mRNA from DNA or formation of RNA from DNA is called transcription. Transcription in prokaryotes and eukaryotes have both are the process about similar process, but some differences. We see here what is the differences in prokaryotes and eukaryotes transcription. Process is similar. The DNA make the RNA. That is called transcription. In eukaryotic cell, there is a true nucleus. यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है. अब इसमें देखें कि इसमें कैसे चलता है. सेम चीज प्रोसेस तो वही चलेगा, डीएनए से ही आरएनए बनेगा. प्रोसेस सिमिलर होगा, लेकिन कहाँ डिफरेंस होगा वहाँ मैंने बताया था कि डीएनए बनाने के लिए क्या लगता है कि पॉलीमरेज एंजाइम लगता है. तो वहाँ पॉलीमरेज एक ही होता है यूकैरियोट्स में. That is the eukaryotes have only one enzyme polymerase. यहाँ polymerase तीन है. तो यहाँ जो है RNA polymerase, which is used in transcription, जो यूज होता है. ये तीन है, इसके नंबर दिए गए हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तीन तरह के हैं ये polymerase. फर्स्ट है polymerase, सेकेंड है polymerase, थर्ड है. तो तीनों जो है पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन में. यूकैरियोट में एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज उसका पूरा नाम है. तो आप देखिए ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ तीन होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. तो देखिए इनके आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को पहले दिखाएं. फर्स्ट किसका ट्रांसक्रिप्शन करता है, जो फर्स्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन वो राइबोसोमल आरएनए बनाता है. आरआरएनए कराता है राइबोसोमल आरएनए. आरएनए तीन तरह के हैं आपको मालूम है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए. तब इसमें देखिए क्या है कि जो पॉलीमरेज फर्स्ट है वो आरआरएनए बनाता है. आर का मतलब राइबोसोमल आरएनए बनाता है. अब राइबोसोमल आरएनए देखें तो कई तरह के हैं. इनकी जो यूनिट है 28S में पाया जाता है, 18S मिलता है, और 5.8S यह आरएनए यह बनाता है. एक 5 RNA होता है वह जो है ये नहीं बनाता है. तो इसके लिए कैटालिस्ट का काम करता है. पॉलीमरेज एंजाइम है जो कैटालिस्ट का काम करता है, वो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है. तो पहले फर्स्ट को हमने दिखाया है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट. तीन पॉलीमरेज होते हैं तो पहले फर्स्ट को देखिए आप. यह इसको जो है यह आरएनए जब बनेगा तब इसका जो है कैटालिस्ट करने का काम यह करता है राइबोसोमल आरएनए. कन्फ्यूजन ना हो, क्लियरेंस हो सब हर जगह. दूसरा आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, यह देखिए किसको करेगा, यह जो है एमआरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए. एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए बनाता है. दूसरा एक बनता है हेटरोन्यूक्लियर आरएनए, HNRNA बनाता है. हेटरोन्यूक्लियर आरएनए बनाता है. दो को बनाने का जो कैटालिस्ट का काम करता है बनाने में वो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है, यह दो को बनाता है. तीसरा आरएनए थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, यह किसको बनाता है, जो इसमें 5S नहीं था इसमें 5S को बनाता है. 5S आप देखिए ऐसे 5S को बनाता है. दूसरा किसको बनाता है, दूसरा आरआरएनए को बनाता है, राइबोसोमल आरएनए को बनाता है. तीसरा जो ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए को यही बनाता है टीआरएनए. और ये एक बनाता है और SNRNA बनाता है, सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लियर आरएनए को बनाता है. तो इतने आरएनए तो इसमें तीन लगते हैं. तीनों यूकैरियोट्स में जो होते हैं तीन तरह के आरएनए पॉलीमरेज लगते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में एक ही लगता है. और वह जो होता है एक ही आरएनए होता है जो कि बनाता है. यह तो पाया जाता है न्यूक्लियोलस में, और ये दोनों न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलते हैं. हाई कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोलाई
न्यूक्लियोलस सिंगुलर नंबर है, न्यूक्लाई प्लुरल नंबर है। आई दोनों कहाँ मिलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ चलता है? न्यूक्लियस में, सेल के यूकैरियोट के सेल के न्यूक्लियस में होता है। क्योंकि डीएनए कहाँ मिलेगा? क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस में, इसलिए वहाँ चलता है। ये भी न्यूक्लियोप्लाज्म में चलता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो एक देखिए यह डिफरेंस हो गया यहाँ। इसमें तीन तरह के आरएनए लिखते हैं, उनका नंबरिंग किया गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब प्रोसेस वही चलता है, प्रोसेस चलने के वो तरीके वही हैं कि कैसे चलते हैं। देखा जाए आपको डीएनए से एमआरएनए का बनना दिखा रहे हैं आपको, या आरएनए का बनना, यही ट्रांसक्रिप्शन है। अब आपको मालूम है पहले से, पिछले वीडियो हमने दिखाया है डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड। एक है देखिए 3', एक 5', आ गया 5', 3' है, तो दूसरा क्या है 3', 5'। हम यहाँ दिखाएं आपको, देखिए यहाँ इसको सीधे कर दिया, मान लो स्टैंड को हमने खींच के सीधा कर दिया है। अब देखिए इसमें देखिए यह 3', 5' अगर है तो यह होगा 5', 3'। मैंने बताया कि जीन के तीन भाग हैं। जीन क्या है? डीएनए। बार बार जीन भी बोलता रहता हूँ, तो जीन का मतलब क्या? पार्ट ऑफ द डीएनए। तो डीएनए ही तो ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। तो इसके तीन भाग होते हैं। पहला प्रोमोटर, आपको मालूम है कल का प्रोमोटर है, जो कहते हैं प्रोमोटर, प्रोमोटर। दूसरा क्या है यहाँ तक? स्ट्रक्चरल। यहाँ तीसरा भाग इसका कौन है? टर्मिनेटर है, ये स्ट्रक्चरल चरल। आइए है कि आपका टर्मिनेटर, टर्मिनेटर। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कहाँ होता है? प्रोमोटर रीजन से स्टार्ट होता है। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ जाके लग जाएगा। अब जानते हो 3', 5', ये टेम्पलेट स्टैंड है, टेम्पलेट, टेम्पलेट स्टैंड। ऐसा कहते हैं नॉन कोडिंग स्टैंड, नॉन कोडिंग स्टैंड, नॉन कोडिंग स्टैंड। इसको कहेंगे नॉन टेम्पलेट स्टैंड, नॉन टेम्पलेट स्टैंड, या इसको क्या कहेंगे? कोडिंग स्टैंड, कोडिंग स्टैंड। अब देखिए इस पर जो बनेगा, अब यहाँ क्या है? प्रोमोटर रीजन पर पॉलीमरेज आके लग जाएगा, पॉलीमरेज लग जाएगा, इस पर आरएनए बनना शुरू हो जाएगा। इस पर आरएनए बनेगा, इस पर आरएनए, क्योंकि इसी पर बनेगा। किस दिशा में? हमेशा जो बन स्टैंड था 5', 3' दिशा में बनता है। तो इस पर बनना शुरू होगा, क्योंकि बनने का डायरेक्शन का एक ही है, 5', 3' पर बनेगा। हमेशा कोई आरएनए बनेगा, वो बनने का जो आर्डर है उसका 5', आरएनए दिखा रहा हूँ, ये आरएनए है। ये क्या है? डीएनए है। डीएनए का एक स्टैंड, एक स्टैंड 3', 5', इसी पर बनेगा। अरे बनेगा तो 5', 3', जैसे ये इस पर बनता ही नहीं। अगर दो पर बन जाएगा तो एक ही डीएनए या एक ही जीन क्या करेगा? दो तरह का कोड कर देगा और दो तरह की प्रोटीन हो जाएगी, अभी गलत होने लगेगा। तो देखिए क्या है, क्योंकि हमने बताया था कि एक जीन जो डीएनए है वह एक प्रोटीन बनाएगा और वह एंजाइम होगा, एंजाइम बायो कैटालिस्ट होगा। वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट बीजल और टाइटम का हमने दिया था। ऐसे ही ये कैसा करता, केवल एक ही स्टैंड सब में जितने डीएनए होंगे, चाहे प्रोकैरियोट चाहे यूकैरियोट, प्रोसेस सिमिलर है कि 3', 5' कोडिंग स्टैंड जो है टेम्पलेट स्टैंड है। टेम्पलेट में होता सांचा जिस पर बनेगा क्या एमआरएनए। तो एमआरएनए बनेगा और कैसे बनेगा, देखिए प्रोसेस बनने के तरीके देखिए। इसे इसको हटाएं, हम एक स्टैंड दिखाएंगे आपको 3', 5' वाला। देखिए एक स्टैंड दिखा रहे हैं, इस पर क्या है 3', 5', एक स्टैंड दिखा रहे हैं 3', 5' डायरेक्शन है। इस पर एमआरएनए बन रहा है, इस पर मान लो यहाँ ए होगा, टी होगा, सी होगा, जी होगा, सी होगा, टी होगा, ए होगा, जी, कुछ भी हो सकता है, सी टी जी ए, कुछ ऐसे बना होगा। क्योंकि चार ही मिलते हैं डीएनए में, ए टी सी जी, किसी क्रम में, सबके अलग अलग क्रम होते हैं, कोई फिक्स क्रम नहीं है कि किसी से स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक कैरेक्टर डिफरेंट है,
तो सब में अलग अलग एक सीक्वेंस है। अब इस पर बनना शुरू हो रहा है, अब ये बनना जब शुरू होगा देखिए इस पर क्या बनेगा, mRNA दिखा रहे हैं, mRNA देखिए हाई स्टैंड दिखा रहे हैं आपको, 5' 3' 5' वाला स्टैंड। इस पर mRNA बनना शुरू हुआ, कहाँ से प्रमोटर से, जैसे ए है तो वहाँ क्या आगे लग जाएगा टी है तो नहीं, आरएनए में यू थाइमिन नहीं होता, तो जहाँ ए होगा उसके जब क्या लगेगा आकर के यू, टी नहीं होता आरएनए में, बस ए टी और जहाँ थाइमिन चाहिए वहाँ उसमें यूरेसिल होता आरएनए में, यहाँ टी है वहाँ ई हो जाएगा, यहाँ सी है वहाँ जी हो जाएगा, अल्टरनेट है। जहाँ जी है वहाँ क्या आएगा, सी आएगा, जहाँ सी है वहाँ जी आएगा, देखिए आप जहाँ टी है वहाँ ए आएगा, जहाँ ए है वहाँ यू आएगा, टी नहीं आएगा यू आएगा, जी है तो सी आएगा, सी है तो जी आएगा, टी है तो ए आएगा, जी है तो सी, ए है तो यू आएगा, ऐसे बनता जाएगा। अब यहाँ कहाँ इस भाग पर लग जाता आकर के कौन, आरएनए पॉलीमरेज, अब पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करता, अब ये स्टैंड टूट करके mRNA का, mRNA अलग हो जाएगा, टर्मिनेटर रीजन पर जब जाएगा तो टर्मिनेट हो जाएगा वहाँ से। अब बंद करके देखिए निकल के आ गया, क्या आ गया, यू ए जी सी जी ए यू सी जी ए सी यू, सपोज कर बन के आ गया, यही बन के आ गया, यहाँ से यहाँ तक यहाँ जो टर्मिनेटर रीजन पर आया कट के अलग हो गया, देखो यार तो यह बन के क्या बन गया, mRNA बन के आ गया, यही ट्रांसक्रिप्शन है। इसमें एंजाइम वही तीन लगते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रोसेस वही चलता है। इसमें देखिए आपको कहीं भी थाइमिन नहीं मिलेगा, थाइमिन जो पर यहाँ यूरेसिल मिलेगा। यह बनना है आरएनए पॉलीमरेज लग जाता है बन करके, जहाँ टर्मिनेटर भाग वहीं से अलग हो जाता है। अब जब बन के आता है तो इसमें से जीन के तीन पार्ट होते हैं, आपको बताऊँगा आपको, इसकी स्प्लिशिंग होती है, स्प्लिशिंग क्या होती है, इसकी प्रोसेसिंग में जाता है बनने के बाद, इसमें कुछ चीज़ें बेकार भी ये बन के आ गई हैं तो प्रोसेस में जाता है। प्रोसेसिंग क्या होती है, जैसे आप पूरे आप सपोज करो कि स्कूल को लिए तैयार हो रहे हो अपने स्कूल जाने के लिए, और उस समय हो क्या रहा है कि जब स्कूल तैयार हो गए तो देखने जा रहे हो आप मिरर के सामने जाते हो, और मिरर के सामने जाके देखते हो एवरीथिंग टाई बेल्ट एवरीथिंग विल बी प्रॉपर आर नॉट प्रॉपर, जो आप जाते हो लास्ट में मिरर के सामने देखते हो नो एनी स्पॉट एनी थिंग नो दैट इज मिस्टेक इन माई क्लॉथेज आर माई दैट इज गारमेंट्स मे बी समथिंग, तो आप जो देखते हो वही है स्प्लिशिंग, प्रोसेसिंग करना, तो प्रोसेस में जाता है। और उसमें क्या होता है, स्प्लिशिंग होती है, स्प्लिशिंग में होता है इसमें दो भाग बन जाते हैं, एक होता है इसका, इसमें दो भाग बनते हैं, एक होता है एक्सॉन मेटाबोलिकली एक्टिव पार्ट, मेटाबोलिकली बोलिकली एक्टिव पार्ट, और दूसरा इसमें पार्ट बन जाता है इंट्रान, ये क्या होता है मेटाबोलिकली इनएक्टिव पार्ट, मेटाबोलिकली इनएक्टिव पार्ट। अब देखिए तो इसमें क्या कहते हैं, इंट्रान को काट के हटाना, इंट्रान को काट काट के जाए, इसमें नॉन कोडिंग पार्ट भी कुछ है, जैसे मान लो इतना बेकार है तो इसको यह क्या है, हाई तो एक जान है हाई इंट्रान है, हाई यहाँ इसमें इंट्रान है सपोज करिए, हाई इंट्रान है मान लो, ये इंट्रान है, हाई क्या है इसका एक जान है, एक जान है हाई एक जान है, यह एक जान है, इंट्रान को काट के हटाया जाता है, कटिंग की जाती है और फिर इसको जोड़ा जाता है एक सिक्वेंस में, इसी का नाम है स्प्लिशिंग, स्प्लिशिंग स्प्लिशिंग, तो एक प्रोसेस स्प्लिशिंग में जाता है, अब ये प्रिपेयर हो जाता है। तो दो भाग इसके होते हैं एक्सॉन और इंट्रॉन, एक्सॉन मेटाबोलिकली एक्टिव पार्ट है, इस पर कोड होते हैं जेनेटिक कोडान होते हैं जिससे प्रोटीन के निर्माण होते हैं, जिस पर अमीनो एसिड के नाम लिखे होते हैं, अभी बताएंगे जेनेटिक कोडान में आगे। और इंट्रॉन इनएक्टिव पार्ट है, बिना वजह का है बन गया तो उसको काट काट के जगह जैसे निकाला जाता है, बेकार पदार्थ है इसके लिए, बेकार आरएनए का पार्ट है, तो काट के हटाना यही प्रोसेस में जाता है और उसी का नाम है स्प्लिशिंग, स्प्लिशिंग कर देते हैं उसकी और इसको इनएक्टिव पार्ट को हटा देते हैं और फिर जोड़ देते हैं, इससे फिर प्रोटीन बनेगी। मैंने बताया कि डीएनए क्या है पार्ट, डीएनए जो है डीएनए पर बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए का होगा ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन बनना ही उद्देश्य है, लेकिन कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है
कैसे आरएनए बनता है, दैट इज प्रोसेस। इसके लिए एंजाइम तीन है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये पार्टिसिपेट करते हैं। और चेंज कहाँ होगा, जहाँ थायमिन होगा वहाँ यूरेसिल आ जाएगा। और एक ही स्ट्रैंड कोडिंग है, हमेशा याद रहे 3'5' स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड है, एंड 3'5' जो होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और उसको नॉन कोडिंग कहा जाता है। इसलिए और जो 5'3' स्ट्रैंड है वह नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और उसको कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। इस प्रकार से इसी पर केवल बनते हैं, हमेशा हर डीएनए के 3'5' पर ही ट्रांसक्रिप्शन होते हैं और एमआरएनए बनते हैं। तो यह प्रोसेस इसमें बनने के तरीके हैं। इस प्रकार से डीएनए से आरएनए का बनना एक ट्रांसक्रिप्शन होता है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट में बहुत सिमिलर प्रोसेस हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है, प्रोटीन का बनाना। तो दोनों प्रोसेस में प्रोटीन ही बनती है, इसलिए प्रोसेस सिमिलर हैं। थोड़े से डिफरेंस हैं कि उसमें पॉलीमरेज एक ही होता है, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर नंबर दी गई फर्स्ट सेकेंड थर्ड होते हैं। अब ये आरएनए बनते हैं, इससे फिर आगे जाके प्रोटीन बनेगी। इस पर जो बन के आएगा आरएनए, इस पर जेनेटिक कोडान होगा, कोड होंगे, बताऊँगा अभी कैसे जेनेटिक कोडान पढ़ाऊँगा। फिर अब इसके बाद पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, देखेंगे आपको कि रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार से घटता बढ़ता है। एक चीज़ और बताएं आपको, एक है केमिकल है अल्फा एमेनिटा। कुछ और आपको दें, कुछ स्पेशल चीज़ें आप देखिए थोड़ा सा, अल्फा एमेनिटा एक केमिकल का नाम है। और यह केमिकल जो प्राप्त होता है मशरूम से प्राप्त करते हैं। इसको मेटाबॉलिक पॉइजन कहते हैं, मेटाबॉलिक पॉइजन। अल्फा एमेनिटा जो केमिकल है यह जो है मिलता किसे, मशरूम से। मशरूम का नाम अगर आपको जानना है, एमेनिटा फैलॉयड्स, यही मशरूम का नाम है। इस मशरूम से यह निकलता है केमिकल अल्फा एमेनिटा, इसको मेटाबॉलिक पॉइजन कहते हैं। ये क्या करता है, तीनों पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जो लिखा था आपको, आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को कम करता है, इनहिबिट कर देता है। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों की एक्टिविटी को स्लो डाउन, किसी की ख़त्म इनहिबिट कर देता है, किसी की दोनों की स्लो करता है, इसकी इनहिबिट कर देता है, तो जो है पॉलीमराइजेशन रुक जाता है। इसलिए इसको मेटाबॉलिक पॉइजन कहा जाता है। इस प्रकार से इसके लिए जो है करता क्या है कि यही जो है प्रोटीन सिंथेसिस को चेक कर देता है। इससे हम पता लगाते हैं कि कौन सा पॉलीमरेज किस में काम कर रहा बनने में, इसी से हम पता लगाए। यह फंगस है, इसका नाम एमेनिटा फैलॉयड्स, इससे मशरूम है, फंगस है, इससे मिलता अल्फा एमेनिटीन, असली केमिकल का नाम अल्फा एमेनिटीन। और इससे जो होता है यह मेटाबॉलिक पॉइजन है। हम अगली वीडियो में दिखाएंगे कि रेगुलेशन किस प्रकार से कब कहाँ घटता बढ़ता है, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोट्स में भी दे देंगे और यूकैरियोट्स में। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप भी चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करिए, आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते रहते हैं, और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर आने चाहिए, कमेंट का मैं रोज़ इंतज़ार करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।